एक फिल्म जिसकी स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी और आप फिल्म को एंजॉय भी करोगे। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र स्वागत करता हूं आपका ब्रह्मास्त्र मूवी के रिव्यू में। दोस्तों, मूवी आप प्लीज देख लेना। मूवी के हीरो है रणबीर कपूर साहब, हीरोइन है आलिया भट्ट और मौनी रॉय, अमिताभ बच्चन, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जो अभी बहुत ज्यादा बूढ़े दिख रहे हैं, नागार्जुन साहब। तो ये कुछ बड़े बड़े कलाकार फिल्म के अंदर है। फिल्म बहुत बड़ी है, मासेस के लिए बनाई गई हुई फिल्म है दोस्तों। लोगों को पसंद आएगी मूवी, इस तरह की मूवी बनाई गई है। आप लोग बोलता हूँ, देखिए इस मूवी के अंदर आप देखोगे, जो मैंने कहा कि ये ऐसी मूवी जिसकी स्टोरी समझ में नहीं आती, भले आप रिलीजियस हो ना हो, आपको फिल्म समझ में नहीं आएगी। वन टाइम में आपको समझ में नहीं आएगी मूवी। बात मेरी आप नोट कर लो दोस्तों, ये फिल्म आपको समझ में नहीं आएगी। इतना CGI, इतने विजुअल इफेक्ट उसमें डाले गए हैं कि आप उस पे ध्यान, आपका ध्यान उस पे चला जाता है, स्टोरी पे नहीं जाता। आप स्टोरी भूल जाते हो, क्या हो रहा है पता नहीं। विजुअल इफेक्ट इतने जबरदस्त किए हुए हैं कि जो भी देखेगा उसे पसंद आएगा। इतना शोर है मूवी के अंदर, म्यूजिक इतनी ज्यादा है, या आपका जो स्टोरी है उस पर ध्यान जाता नहीं है। साउंड एंड विजुअल वो इतना जबरदस्त लगता है देखते समय कि आप स्टोरी से भटक जाते हो, स्टोरी समझ में नहीं आती। पूरी मूवी देख लो, आपको समझ में नहीं आएगा। देव साहब कौन है उसके अंदर, देव है कौन है वो मुश्किल होता है। फिल्म में बताया जाता है कि कौन है, कैरेक्टर क्या है, देव कौन, भगवान है क्या है, सब बताया जाता है। उसके लिए आप फिल्म जाके देखिए दोस्तों, लेकिन वो समझ में नहीं आता आपको। आप फिल्म देखोगे ना, मैंने 3D में मूवी देखी, 2D में देखी नहीं, कि 2D का रिव्यू बहुत ही बेकार था। 3D में बहुत अच्छी मूवी है, इफेक्ट्स बहुत अच्छे बनाए हुए हैं, हॉलीवुड टाइप के उतने अच्छे नहीं है, लेकिन उस लेवल तक वो किधर तो आपको लगता है कि ये 3D है उसमें इफेक्ट बढ़िया है। आप जाके जरूर देखिए फिल्म, फैमिली के साथ जाके देखिए, बहुत बढ़िया फिल्म बनाई है। विजुअली शोर ज्यादा है म्यूजिक का, लेकिन जिस प्रकार का विजुअलाइजेशन उन्होंने क्रिएट किया है उसके लिए जरूरी है। स्टोरी समझ में नहीं आएगी आपको, नेक्स्ट डे विचार करना होगा, अरे ये ऐसा था वैसा था, ओके ये ऐसा। तो उस तरह की फिल्म में रिव्यू मेरा यही है कि बढ़िया फिल्म है, थिएटर में जाके देखिए, बहुत जबरदस्त फिल्म बनी है, बहुत ही जबरदस्त फिल्म बनी है दोस्तों। कैरेक्टर कहूंगा तो रणवीर का काम हमेशा ही अच्छा रहता है, नेपोटिज्म की शिकार है वो, लेकिन उनका काम अच्छा रहता है। उनकी फिल्में चलती है, कुछ फिल्में फ्लॉप हो गई लेकिन उनका काम बेहतरीन रहता है। आलिया भट्ट का काम भी उसी तरह हमेशा, जो उसका जो फेस होता है वही है उसका, उसको एक्टिंग आती नहीं लेकिन उसको बहुत बड़ा एक्टर बनाया गया है। ठीक ठाक है, ठीक ठाक से भी वर्स्ट है, मतलब गया गुजरा ही है, कुछ है ही नहीं, उनका काम ही नहीं है। मे बी अगले पार्ट में कुछ उनको रोल होगा बड़ा, कुछ बड़ा कैरेक्टर होगा वो भी, जैसे मौनी रॉय जो कि जुनून नाम है उनका, मे बी अगले पार्ट में वो जो शिवा है उसकी सिस्टर ही होगी। शिवा के पास पावर दी गई थी अग्नि की, तो मौनी रॉय पानी का जो पावर है उसका इस्तेमाल करती है वो, तो मे बी वो शिवा और जुनून सिस्टर्स, ब्रदर सिस्टर्स होंगे देव के, पता नहीं ये सही है। तो फिल्म देखिए आप भी इस तरह का गेस कर पाओगे या फिर इस विचार तक आ पाओगे, लेकिन फिल्म बहुत बढ़िया है, देखिए जरूर साहब। फिल्म महंगी फिल्म है, हॉलीवुड को टक्कर देने वाली फिल्म है, पता नहीं जितना पैसा फिल्म पे लगा हुआ है रिकवर कर पाएगी फिल्म या नहीं थिएटर से, सिनेमाघर से पता नहीं, लेकिन बाकी राइट्स बेचते उससे तो वो 1000 के ऊपर पैसा बना लेगा प्रोड्यूसर, वो बात नहीं। बढ़िया फिल्म बनी है, जाके आप देखिए। अमिताभ बच्चन का काम वर्स्ट काम है, मजा नहीं आता देखने, उन्हें देखने में मजा नहीं आता। नागार्जुन का काम थोड़ा ठीक लगता है, उनमें जितना भी काम दिया गया है नागार्जुन साहब को, जो भी काम दिया गया उन्होंने बहुत अच्छी तरह से काम किया है, बहुत बढ़िया लगता है उनका पार्ट। शाहरुख खान का पार्ट सबसे बेस्ट पार्ट है सर, शाहरुख खान का जो पार्ट है सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट रणवीर का ही है, लेकिन शाहरुख खान का पार्ट भी रणवीर के लेवल का ही है। वहां से शुरुआत होती है, इनिशिएट होता है, वहां से पूरा इफेक्ट मूवी कैसे बनने वाली आगे वो पता चल जाता है आपको उसी में। रणवीर का तो पूरा नेक्स्ट लेवल किया उन्होंने, लेकिन बेस्ट है विजुअलाइजेशन जो है, जैसे जैसे 3D फिल्म बनाई, फिल्म 3D के लिए बनाई गई है। 3D में जाके देखिए,
बढ़िया मूवी दोस्तों, मुझे फिल्म पसंद आई है, वन टाइम वॉच है। आप सेकंड टाइम नहीं देख सकते कि थिएटर से चली गई होगी, सेकंड टाइम आप नहीं देख सकते कि थिएटर से चली गई होगी, लेकिन अदरवाइज फिल्म बेस्ट है, जाके देखिए। ज्यादा सोचिए मत, विजुअलाइजेशन जो जो जिस तरह से फिल्म बनाई गई है बहुत बढ़िया है, आपको आपको मूवी पसंद आएगी दोस्तों। तो मेरा यही रिव्यू था, बढ़िया मूवी है, जाइए देखिए, आनंद लीजिए फैमिली के साथ। दोस्तों मिलेंगे अगले रिव्यू में, टिल देन बाय, टेक केयर दोस्तों।